नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि झाड़ू जब भी घर में लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है घर में। घर साफ करना, कब करना चाहिए कब नहीं, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो झाड़ू है, ब्रूम जिसको हम कहते हैं, वो हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू कभी भी हमको लांगना नहीं चाहिए, या फिर झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू घर में कभी भी खड़ा नहीं रखना है। झाड़ू को जो है हमेशा नीचे बिछा कर ही रखना है, आड़ा रखना है, उसको कभी खड़ा नहीं रखना है। या तो आप साउथ या फिर वेस्ट डायरेक्शन में झाड़ू रख सकते हैं, वेस्ट में रखना अच्छा रहेगा, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। झाड़ू के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को ऐसी जगह पर आपको नहीं रखना है कि वो गीला हो। झाड़ू गीला होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप झाड़ू हमेशा गीला रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। झाड़ू जो है, झाड़ू लगाते वक्त हमको मालूम है कि दिवाली में हम लक्ष्मी माँ का पूजन होता है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है, तो उस पूजन में भी झाड़ू रखते हैं, क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। झाड़ू बहुत जरूरी चीज है। तो इस झाड़ू के बारे में एक सबसे पहली बात तो हम सभी जानते हैं कि जब सवेरे हम सब उठते हैं तो सबसे पहले घर में जो भी घर की औरतें हैं वो घर साफ करती है, उसमें वो सबसे पहले झाड़ू लेकर पूरा घर क्लीन करती है। और घर में अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो इससे क्या है कि सवेरे फ्रेश एनर्जी, और जो सवेरे की हम जिसको कहते हैं हम उपासना करते हैं या कुछ, उसके लिए जो पॉजिटिविटी है वो झाड़ू से साफ करने की वजह से क्लीन होकर वो पूरा जो है एटमोस्फेयर पॉजिटिव बनता है। तो अभी झाड़ू में क्या नुकसान हो सकता है, कब नहीं करना चाहिए, झाड़ू जो है वो ध्यान में रखना है, कभी भी शाम के वक्त नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रात में नहीं करना है। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सवेरे बहुत जल्दी हो जाएगी, आज रात में झाड़ू करके रख देते हैं, एक आध बार ठीक है, लेकिन हमेशा ये आदत होना अच्छी बात नहीं है। जब भी आप सोकर उठो, सवेरे उठो, तो घर साफ करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घर को रात में ही साफ करके आपको नहीं रखना है, आपको झाड़ू लगाना थोड़ा अवॉइड करना है शाम के बाद में, शाम से लेकर रात तक थोड़ा अवॉइड करना है। आप झाड़ू सवेरे लगा सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा नियम है कि जब भी आप झाड़ू लगाओगे, घर में पोछा लगाओगे, घर में पोछा लगाते वक्त मैंने और भी वीडियोस में मेरे बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एटलीस्ट सैटरडे यानी शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन घर में पोछा लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे घर की निगेटिविटी बहुत बहुत कम होती है। और इसमें एक नियम ऐसा है कि जब भी आप पोछा लगाओगे तो उसमें जो रॉ सॉल्ट होता है, जिसको हम खड़ा नमक कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े दाने होते हैं, उस नमक के वाइट दाने किसी भी ग्रोसरी शॉप यानी किराना शॉप पे आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ता होता है, वो नमक आपको लाना है। वो नमक थोड़ा सा उस पानी में डालना है जिससे आप पोछा लगाने वाले हो, उस पानी में वो नमक डाल के आपको पोछा लगाना है। दूसरे भी कुछ और चीजें हैं जो आप उस पानी में डाल सकते हैं, लेकिन अभी उसमें सबसे पहला है गोमूत्र। लेकिन आजकल क्या है कि लोग मतलब थोड़ा स्मेल की वजह से अवॉइड करते हैं, बट गोमूत्र जो है उसके भी बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है जो निगेटिविटी कम करता है। तो आप ये चीज, आप फिनाइल भी डालिए, जो फिनाइल हम डालते हैं वो तो बहुत जरूरी है, तो फिनाइल डालिए, बाकी सब चीजें जो भी आपको डालना है डालिए, उसमें नमक डालिए, घर में पोछा लगाइए, इससे बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आपको रात में नहीं करना है, शाम में नहीं करना है, ये आपको सवेरे दोपहर में ये आप कर सकते हो। कभी भी ये चीजें आपको शाम के बाद में, मतलब दिया लगाने के बाद, झाड़ू पोछा ये चीजें गलती से भी नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, घर में जब भी आप झाड़ू लगाओगे उसके बारे में
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।